गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। आज हम लोग ट्रिक देखेंगे कि कौन से कोडॉन किस एमिनो एसिड को कोड करते हैं, उसको याद करने का ट्रिक देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या ट्रिक को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि इस टॉपिक से कौन से या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ से थ्री टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप क्या है कि आपको अमीनो एसिड का नाम दिया रहेगा, आपको नेम ऑफ अमीनो एसिड दिया रहेगा और पूछेगा इस अमीनो एसिड को कौन सा कोडॉन कोड करता है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको अमीनो एसिड का नाम दिया रहेगा और पूछेगा इसको कौन सा कोडॉन कोड करता है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपको अमीनो एसिड का नाम तो दे देगा और पूछेगा इसको कितने तरह के या कितने अलग अलग कोडॉन कोड करते हैं। जैसे कि ल्यूसिन की बात करें तो उसको 6 कोडॉन कोड कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको दिया रहेगा कितने तरह के कोडॉन कोड करते हैं। फिर लास्ट थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं। ये सबको वैसे स्टॉप कोडॉन तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, सबको याद भी रहता है स्टॉप कोडॉन किसको इसको कोड करता है। 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो आपको तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सो मैं अब धीरे धीरे इन सभी क्वेश्चन को करने का तरीका और इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग स्टॉप कोडॉन को याद करते हैं क्योंकि यह थोड़ा छोटा है, इसको पहले कवर कर लीजिए, फिर लास्ट में हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्टॉप कोडॉन को याद करने का सिंपल सा, देखिए स्टॉप कोडॉन होते क्या क्या है। तो यू कॉमन रहता है सब में, ए जी ए ए जी ए, ये तीन तरह के होते हैं, यू ए जी ए ए और जी ए। कैसे याद करें, सिंपल सा है, आप कॉल लगाइए किसी को और बोलिए आज आ जा, आज आ जा, मतलब ये दोस्त आज आ जाओ तुम, आज आ जा, तो आज आ जा सीधा, आज का ए जी, आज का ए जी, आ का डबल ए, जा का जी ए। देखिए जा अगर इंग्लिश में देखेंगे तो जे और जी अलग अलग होते हैं, कि हिंदी में जा को ज और जी को भी ग। देखिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, जा का जी ए, तो ट्रिक तो ऐसे ही होते हैं। तो आज आ जा स्टॉप कोडॉन का यह हो गया। उसके बाद हम लोग हर रो को अलग अलग पढ़ते हैं, चार रो थे मैंने आपको बताया था। देखिए नाम याद करने से पहले, ट्रिक याद करने से पहले सबसे पहले यह जरूरी है कि आपको यह बॉक्स बनाने आना चाहिए। तो इस बॉक्स में आपको सबसे पहले यह ऑर्डर याद करना है, यू सी ए जी। तो हर जगह आपको ऐसे ही रखना है, पहले वर्टिकल कॉलम में यू सी ए जी रखना है, पहले वर्टिकल कॉलम में यू सी ए जी, हॉरिजॉन्टल कॉलम में यू सी ए जी, इस तरह से रखना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लिखेंगे यहाँ, देखिए मान लो ये यू हो गया, देखिए यहाँ से डाउट आ जाएगा आपको, सब ये बॉक्स लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल कॉलम का देखिए लिखेंगे, सबसे पहले सी लिखा मैंने, फिर ये वर्टिकल का सी लिखा, फिर उसके बाद देखिए सब में अब सी 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 है, फिर यू सी ए जी ऐसे लिख देंगे। ये आपका चार्ट अगर प्रिपेयर हो गया, लेकिन देखिए एक बात ध्यान दीजिए, एग्जाम में आप चार्ट प्रिपेयर करने नहीं बैठेंगे, उसका क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा फास्ट सोचने का तरीका मैं अभी बताता हूँ। ऐसे नहीं चार्ट प्रिपेयर करेंगे, बस आपको लेकिन पता होना चाहिए कैसे चार्ट प्रिपेयर करता है। मैं ट्रिक से आप पहुंच जाएंगे कौन से बॉक्स में है, उसके बाद तो चार्ट याद होना ही चाहिए। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए, अगर मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ तो वहाँ ऊपर यू है और बाकी यू सी सी ए जी तो है ही। सेकेंड रो की बात कर रहा हूँ तो ऊपर सी है, इतना तो पता होना ही चाहिए कि सेकेंड रो में ऊपर सी होता है, थर्ड रो में ऊपर ए होता है और फोर्थ में ऊपर जी होता है। मेरे जो ट्रिक्स है वो वर्टिकल ही है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इस तरह से मेरा ट्रिक बनेगा। सो हम देखते हैं ट्रिक को डिटेल में, हर एक रो को अलग अलग। फर्स्ट रो से शुरुआत करते हैं, तो फर्स्ट ट्रिक है हमारा फेलू। देखिए फेलू नाम है किस लड़की का, वो मिर्जापुर विंध्याचल में रहती है। तो फेलू लिव इन मिर्जापुर विंध्याचल। विंध्याचल एक टाउन है जहाँ पे गॉडेस ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, वो गंगा नदी किनारे, वो भी सब लोग गंगा स्नान के जाते हैं, तो सब चीजें बात की बात हो गई। तो फेलू लिव इन मिर्जापुर विंध्याचल, जो कि बनारस में, यहाँ पे बनारस के बगल में ही है, आप मिर्जापुर वेब सीरीज भी देखे होंगे। तो फेलू लिव इन मिर्जापुर विंध्याचल, देखिए ये ट्रिक है जहाँ पे फेलू का एफ ई फिनाइल एलिन को कोड कर रहा है, लू ल्यूसिन को कोड कर रहा है, फिर लिव है वो भी ल्यूसिन को ही कोड कर रहा है, इन आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है, मिर्जापुर मिर्जापुर कोड कर रहा है आपको
मिर्जापुर मेथियोनिन को कोड कर रहा है और विंध्याचल वैलिन को कोड कर रहा है। तो ये सिंपल सा ट्रिक हो गया। लेकिन देखिए मेरा काम केवल आपको ट्रिक बता के वीडियो बंद करना नहीं है, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व होना चाहिए। सो मान लीजिए आपसे पूछता है कि ल्यूसिन का कौन सा कोडॉन होता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं इतना तो आपको पता है कि फर्स्ट रो की बात हो रही है तो ऊपर यू होगा और यहाँ पे तो यू सी ए, थोड़ा टाइम लगता है टाइपिंग करने में, यू सी ए जी इस तरह से होता है। तो ये पहली बॉक्स देखिए, ये मान लीजिए पहले बॉक्स के लिए होगा, ये सेकेंड बॉक्स के लिए होगा, ये थर्ड बॉक्स के लिए होगा, ये फोर्थ बॉक्स के लिए होगा। इस तरह से देख लीजिए कि जो यह फर्स्ट रो का है तो ऊपर यू होगा, बाकी यू सी ए जी होगा। अब आपको क्वेश्चन सुनते ही जैसे ल्यूसीन आपने सुना तो आपको सबसे पहले सोचना है यह किस रो का है, तो आपको पता चल जाएगा फेलुलिव, तो यह थर्ड सॉरी फर्स्ट रो का है। फर्स्ट रो सोचने के बाद आपको सोचना है कौन से बॉक्स का है, तो ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो देखिए मान लीजिए मैं सोच लिया ना कि सेकंड बॉक्स का है ये, तो सिंपल सा बात है सी और यू तो होगा ही, सी और यू तो होगा ही, तो इतना तो कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले सोचना है कौन से रो का है, तो फिर सोचना है कौन से बॉक्स का है। ये सिंपल है, इतना सोचना आपको सिंपल हो जाएगा। लेकिन अब डिफिकल्टी आती है, वो डिफिकल्टी भी केवल फर्स्ट रो के लिए ही है कि कौन से बॉक्स सोचने के बावजूद आपको कंफ्यूजन होगा कि यह यहाँ पे मान ली मैंने सोच लिया कि सेकंड बॉक्स का है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है ना सी यू यू है या सी यू सी है या सी यू ए है या सी यू ए जी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप ट्रिक याद करने के साथ साथ यह भी याद कीजिए कि जो ट्रिक का लेटर है मान लीजिए एफ ई है, फेलू का एफ ई है, तो वह कितने अल्फाबेट ऊपर से कितने को कोड कर रहा है, क्योंकि देखिए टोटल तो 16 होंगे ना, तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट बॉक्स में चार होंगे, तो आपको याद करना है कि ये फर्स्ट दो को कोड कर रहा है या फर्स्ट थ्री को कोड कर रहा है, ये नंबरिंग भी याद करनी पड़ेगी। जैसे फेलू का एफ ई है तो भैया दो को कोड कर रहा है, स्टार्टिंग के दो को, तो स्टार्टिंग के दो में मतलब ये हम फर्स्ट रो के फर्स्ट बॉक्स में स्टार्टिंग का दो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग करते हैं यू से, तो यू सी, तो इस लास्ट में यू सी आना चाहिए फिनाइल एलिनिन में। उस तरह हम बात करते हैं ल्यूसिन की, तो वह देखिए वह भी दो को कोड करता है, तो इसके बाद है तो बचे हुए दो को वो कोड करेगा। फिर लिव है वो भी ल्यूसिन ही है, वह चार को करता है, मतलब सेकेंड बॉक्स में जो चार है वो चारों के चारों ल्यूसिन ही है। और फिर थर्ड बॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे इन है वो आइसोल्यूसिन है, तो आइसोल्यूसिन स्टार्टिंग के थ्री होते हैं, यह आपको याद करना पड़ेगा। मिर्जापुर लास्ट का है तो यह थर्ड बॉक्स का फोर्थ है, मतलब एक को ही कोड करता है। विंध्याचल वैलिन देखिए यह चार को करता है। ये देखिए इस बॉक्स को याद करने की ट्रिक हो गई, यह क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हो गया किस तरह से आप एक्यूरेटली क्वेश्चन को एक्यूरेसी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन इसमें भी कई चीजें क्वेश्चन ऐसी होती है जो इस बॉक्स में नहीं है, जैसे कि पूछते हैं कि स्टार्टिंग कौन करता है, तो ए यू जी करता है, या स्टॉप कोडॉन तो मैंने बता दिया लेकिन स्टार्टिंग भी याद कर लीजिए ए यू जी है, या कई कोडॉन ऐसे होते हैं जो एक ही होके दो को कोड करते हैं, तो वो सब चीजें मैं बनाऊंगा कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हम समझेंगे, ट्रिक में तो ऐसा ही समझते। अब देखिए सेकंड रो की हम बात करते हैं, सेकंड ट्रिक में सेकंड रो में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शाहरुख खान, ये तापसी एंड द आलिया भट्ट, तो तीन लोग आपको दिख रहे हैं। तो ट्रिक सिंपल सा है कि शाहरुख खान ने क्या किया जानते हो, शाहरुख खान ने तापसी और आलिया भट्ट दोनों को प्रपोज कर दिया, तो आपका ट्रिक क्या है, शाहरुख खान प्रपोज तापसी एंड आलिया, सिंपल सा, शाहरुख खान प्रपोज तापसी एंड आलिया, शाहरुख खान प्रपोज तापसी एंड आलिया, खत्म, बस इतना ही है इसमें, जिसमें शाहरुख खान मतलब SER ये सेरिन को कोड कर रहा है, प्रपोज यह प्रोलिन को कोड कर रहा है, प्रपोज प्रोलिन को कोड कर रहा है, तापसी तापसी कोड कर रहा है, थ्रियोनिन को कर रही है, आलिया एलेनिन को, तो सिंपल सी बात है शाहरुख खान प्रपोज द तापसी एंड आलिया। तो हमें पता है ये सेकेंड रो का ट्रिक है, तो ऊपर क्या होगा, सेकेंड रो का ट्रिक है तो ऊपर होगा सी, और ये तो यू सी ए जी, तो इस तरह से। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ये प्रोलिन
प्रोलिन का कौन कोड करता है, तो मेरे दिमाग में आएगा शाहरुख खान प्रपोज, ये सेकंड वर्ड था, सेकंड वर्ड मतलब सेकंड बॉक्स की बात कर रहा हूँ, सेकंड बॉक्स में क्या क्या था, सेकंड रो का सेकंड बॉक्स बोल रहा हूँ ना, तो सेकंड रो में तो सी था और सेकंड बॉक्स में भी सी था, तो बाकी मतलब स्टार्टिंग के सी सी आएंगे ही, और वह चारों अलग अलग यू सी ए जी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन सी रो की बात कर रहा है, फिर कौन सी बॉक्स की बात कर रहा है। देखिए इसमें क्या हुआ, सेकंड रो में क्या हुआ, सबके चार चार थे तो आसान हो गया, लेकिन फर्स्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी आपको, बाकी क्लियर है। सेकंड रो आसान है क्योंकि यहाँ पे चार चार सबके हैं, इक्वल है, तो बस आपको बॉक्स देखना है कौन से रो की कौन सी बॉक्स है, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड रो को देखते हैं। सेकंड थर्ड रो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको, मेरा एक दोस्त है यार, वो बहुत अच्छा जिमनास्टिक है, वो हमेशा जिम ही करते रहता है, आप उसको कितना भी कुछ भी बोलिए ना, वो अपना जिम स्टॉप करने वाला नहीं है, वो रुकने वाला ही नहीं, आप बुलाते रहिए कि ये फोन आ रहा है, चलो गेम खेलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, ये करने चलते हैं, वो करने चलते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। लेकिन वो क्या है ना, अगर कोई लड़की या कोई लेडी आ जाए और उसको कुछ भी बोल दे, या सिंपल सा मतलब एक कुछ भी मांग ले, ग्लूकोज का बॉटल ही मांग ले, तभी वह जिम बंद कर देता है। तो ऐसे दोस्त भी होते हैं, तो इन दोस्तों का फायदा उठाकर ये ट्रिक देखिए, तुषार स्टॉप हिज जिम एज लानिया आस्क फॉर ग्लूकोज। क्या ट्रिक है, तुषार स्टॉप, उस लड़के का नाम तुषार है, तुषार स्टॉप हिज जिम एज लानिया, देखिए लानिया नाम अगर आपको याद हो याद कीजिए, देखिए एल वाई है इसलिए मैंने इस नाम को लिया था, एल वाई है, लेकिन अगर ना याद हो तो लेडी भी कर सकते हैं, तुषार स्टॉप हिज जिम एज लेडी आस्क फॉर ग्लूकोज। तो सिंपल सा ट्रिक है, तुषार स्टॉप फॉर हिज जिम एज लेनिया या लेडी आस्क फॉर द ग्लूकोज। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखिए जो स्टॉप है यह स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है। देखिए फर्स्ट रो में अनइवेन था वहां पे, लेकिन सेकेंड रो में सब जितने भी वर्ड थे वहां चार चार के लिए थे, फोर फोर के लिए थे, थर्ड में जितने भी वर्ड हैं वो सब दो दो के लिए हैं, तो ये भी आपको याद करना है, थर्ड रो में सब दो दो के लिए हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में पहुंचने के बाद आपको दो नाम आएंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि हिस्टामिन को कौन कोड करता है, तो आपको याद आया हिस्टामिन यार हिज हिज हिस्टामिन मतलब हिज, ये तो थर्ड रो की बात कर रहा है, हिस्टामिन मतलब हिज, ये तो थर्ड रो की बात कर रहे हैं। अब थर्ड रो की बात कर रहे हैं लेकिन थर्ड रो से काम नहीं चलेगा, कौन सी बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे एक है, एक नाम दो लेटर को रिप्रेजेंट करता है, हम जानते हैं एक बॉक्स में चार होते हैं, मतलब दो नाम नीचे, तो तुषार स्टॉप हिज आया, मतलब कि यह सेकेंड बॉक्स के बात कर रहे हैं। सेकेंड बॉक्स में कौन कौन से आते हैं, ये सी ए, तो आप इस तरह से क्वेश्चन सोच के सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक बार मैं फिर से सोचिएगा, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं एस्पार्टिक की, एस्पार्टिक एसिड की बात कर रहा हूं, मैं सिंपल सी क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि एस्पार्टिक एसिड जो है जिसको मतलब ASP होता है इसका, तो वह किसका कोडॉन कौन कौन सा है। मुझे याद आया कि तुषार स्टॉप हिज जिम एज लैनिया आस्क, आस्क मतलब एस्पार्टिक, आस्क मतलब एस्पार्टिक, अब यह किसका है, तो देखिए आस्क ये मेरे थर्ड रो में आ रहा है, इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि ऊपर ए होगा, ऊपर ए होगा, यह क्लियर हो गया। लेकिन थर्ड रो में भी मेरे जो ट्रिक है उसमें तुषार स्टॉप हिज जिम एज लैनिया आस्क फॉर ग्लूकोज, ये लास्ट के दो लास्ट का सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट है मतलब ये सेकेंड बॉक्स का सॉरी लास्ट बॉक्स का फर्स्ट वाला होगा, तो लास्ट बॉक्स का लास्ट बॉक्स में क्या रहता है, यहाँ पे जी रहता है, तो जी रहता है, और उसके अलावा ये देखिए यू सी ए जी होंगे, तो मैंने बोला लास्ट बॉक्स का फर्स्ट वाले तो ये दो होंगे, इसका कोड क्या होगा, जी या ए जी यू जी ए यू जी ए सी, ये इसका कोड इस तरह से बन जाएगा, समझे, जी ए यू जी ए सी, तो इस तरह से आपको सोचना है। देखिए ये आप देख लीजिएगा, तुषार मतलब क्या टायरोसिन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉप मतलब स्टॉप कोडॉन के बारे में ही बता रहा है, हिस मतलब हिस्टामिन है। देखिए इसमें सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो सबको याद करना पड़ेगा, तो तुषार स्टॉप हिज जिम एस लाइनिया आस्क फॉर ग्लूकोज, और सेकेंड रो में चार चार था, थर्ड रो में सबके दो दो हैं। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ रो। अभी मैंने आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताया जो कि जिम को लेके काफी प्रोसेसिव था, लेकिन अब मेरा एक
है दोस्त, वो भी डॉक्टर ही है, लेकिन वह क्या है ना, जहां देखता है अर्जेंट है, पेशेंट को जरूरत है उसकी, वो तुरंत पहुंच जाता है। अभी हाल फिलहाल मान लीजिए ट्रेन में एक कैजुअलिटी घट, कैजुअलिटी मतलब होता है कोई ऐसी घटना घट जाए, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीजें कैजुअलिटी होती है, इमरजेंसी घटना इसको बोलते हैं। तो ट्रेन में कैजुअलिटी घटना घटी और लेकिन वह वहां तुरंत पहुंच गया और उसका नाम है आर्यमन। देखिए तो ट्रिक क्या है, कैजुअलिटी ट्रेन में, आर्यमन सर अर्जेंटली गए। देखिए सर क्यों बोल, भले ही फ्रेंड यहाँ पे आप भी कॉलेज में आएंगे आपको सबको सर ही बोलना पड़ता है। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं क्या रैगिंग हो रही है या कुछ हो रही है, सर मतलब रिस्पेक्ट से बोलना ही पड़ता है फ्रेंड को अपने, बोलिए। तो कैजुअलिटी ट्रेन में आर्यमन सर अर्जेंटली गए, सिंपल सा ट्रिक है, कैजुअलिटी ट्रेन में आर्यमन सर अर्जेंटली गए। तो देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए जो पहला कैजुअलिटी है वह स्टार्टिंग के दो के लिए है, ट्रेन ट्रेन भी स्टार्टिंग के दो के लिए है, आर्यमन सर स्टार्टिंग के चार के लिए है, नाम भी बड़ा है, आर्यमन चार है, सर भी दो है, और ए आर जी अर्जेंटली गए, अर्जेंटली भी दो है और यह गए भी चार है। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग के कितने अल्फाबेट को है। तो कैजुअलिटी में दो, ट्रेन दो, आर्यमन चार, सर दो, अर्जेंटली भी दो, गए चार। ये कैसी मार्किंग कर रहे हैं सर, नंबर नहीं दे रहे हैं, बस आपको थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो इस तरह से आपको नंबर याद होना चाहिए, थोड़ा आप उसको याद कर लीजिएगा। वैसे ट्रिक तो सब बता देते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए जो यहाँ पर कैजुअलिटी है वो 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे कैजुअलिटी है वो 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जो ट्रेन है, ट्रेन में जो थर्ड रंग नंबर का था वो स्टॉप कोडॉन था, क्योंकि तो मैंने इसलिए पहले ही स्टॉप कोडॉन का ट्रिक अलग से ही ले लिया है। उसके बाद बात करते हैं आर्यमन का, तो आर्यमन आपका अर्जिनिन है। फिर सर की बात करते हैं तो शेरिन है। देखिए एस ई आर ये भी काफी इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि इसको भी काफी कोडॉन कोड करते हैं। फिर अर्जेंटली, फिर गए, गए का आपको ग्लाइसिन याद हो गया होगा। तो मैंने चारों रो को अलग अलग ले लिया है, आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा जेनेटिक कोड को कैसे याद करते हैं। यह डिफिकल्ट तो रियल में है ही, अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा है तो आप कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें याद कर लीजिए, लेकिन मैंने ट्रिक के जरिए पूरी याद करा दिया है। चार ही ट्रिक है उसमें, कोई ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक बार नंबरिंग पर ध्यान दे लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको जिस भी टॉपिक पर ट्रिक चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। और हमारा रिविजन सीरीज तो चल ही रहा है, आप उसको देख भी रहे हैं। सो थैंक्स वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक इट।